हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं भाई प्रताप, आपका आप सभी के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई स्टडी विद अभय में स्वागत है। हम लोग नंबर सिस्टम के टॉपिक को पढ़ रहे थे। हम लोगों ने नंबर सिस्टम के पार्ट थ्री में फाइंड द जीरोस को हम लोगों ने फाइंड नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड करना सीखा था। आज की वीडियो में हम लोग यूनिट डिजिट को निकालना सीखेंगे। आज हम लोग यूनिट डिजिट को कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे फाइंड करते हैं निकालना देखेंगे। कभी कितनी पावर दी हो वो भी हम सॉल्व करेंगे और कितना बड़ा भी एक्सप्रेशन हो उसे भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो आज हम वीडियो की शुरुआत करने से पहले, हमने पिछली वीडियो में फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस वाले में हमने आपको एक होमवर्क दिया था सॉल्व करने के लिए। तो आइए सबसे पहले वीडियो शुरुआत उसी से करते हैं। जिनका भी आंसर आ गया था वो बहुत अच्छी बात है, जिनका भी नहीं आया है आइए हम यहाँ पे सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया था, होमवर्क में हम लोगों ने निकाला था, देखा था 1142 फैक्टोरियल में और फैक्टोरियल 348 गुणे फैक्टोरियल 17 यहाँ पे दिया गया था। तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ये देख लेते हैं। हमने आपको बताया था कि 1142 में हम लोग फाइंड कर लेंगे कितने जीरोस होंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 5 से डिवाइड करना है। देखिए 2 टाइम्स गया, फिर 2 टाइम्स जाएगा, फिर यहाँ पे 42 हो जाएगा, 8 बार जाएगा, फिर यहाँ पे अभी भी भागफल 5 से ज्यादा है, हम लोग एक बार और करेंगे, 20 हो गया, 25 हो जाएगा। अभी भी भागफल 5 से ज्यादा है, तब तक हम लोग भाग करेंगे 5 से जब तक भागफल 5 से कम ना आ जाए। तो एक बार और ले जाते हैं, यहाँ पे 9 अभी भी 5 से ज्यादा ही है, तो हम लोगों ने एक बार और कर लिया, यहाँ पे एक बार चला जाएगा। तो हमने कहा था ऊपर वाला छोड़ के बाकी इन संख्याओं को हम लोग जोड़ लेंगे। तो देखिए 228 प्लस 45 प्लस 9 प्लस 1, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 9 1 10 5 15 15 और ये यहाँ पे हम लोगों ने 8 जोड़ लेना है, ठीक है, इसे हम लोग जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ गया 23, फिर हम लोग काउंट करेंगे 6 7 8, यहाँ पे 283, इसमें हम लोगों का 283 आ जाएगा। सेकंड वाले का देख लेते हैं 348, इसको डिवाइड करते हैं 5 से। तो यहाँ पे देखिए 6 5 30, यहाँ पे 9 बार, इसी से हम लोग कर लेंगे, इसे देखिए 1 टाइम गया, फिर इधर 19 हो गया, इधर 3 बार चला जाएगा, एक बार और जाएगा, 5 2 10, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको काउंट कर लेंगे कितना आ जाता है, देखिए 3 2 5 1 4 14 और यहाँ पे 7 1 8 84, यहाँ पे 84 आ जाएगा, ये 84 हो जाएगा। इस वाले में नंबर ऑफ जीरो 84 होंगे, फैक्टोरियल 1142 में नंबर ऑफ जीरो 283 होंगे। 17 का भी हम लोग फाइंड कर लेंगे, यहाँ 5 से करेंगे, 5 3 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस केवल 3 रहेंगे। हम लोग टोटल जी नंबर इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोस हमको काउंट करना है, तो हम लोग 283 प्लस 84 प्लस 3 काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 4 3 7 7 3 10, फिर यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ लेंगे 7 3 10 9 9 8 17 1, फिर इसके बाद यहाँ पे 370, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में फाइंड नंबर ऑफ जीरोस पूछा जाएगा, तो 370 होगा, 370 जीरोस होंगे। इस एक्सप्रेशन को गुणा करने में लास्ट में 370 जीरोस होंगे। अब यहाँ पे हमने जोड़ क्यों दिया, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई का लगा था। तो आप कभी भी देखिएगा जब 10 गुणे 10 होता है तो यहाँ पे हम लोग सीधा 100 लिख देते हैं, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि कितने जीरो आ जाते हैं, 2 जीरोस। यहाँ पे देख लीजिए 2 जीरोस आ गए, 2 जीरोस हैं, तो वही यहाँ पे भी हुआ, क्योंकि जीरो जीरो रहेंगे लास्ट में। इस एक्सप्रेशन में इतने जीरोस लास्ट में रहेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन में इतने, इस फैक्टोरियल में इतने जीरोस रहेंगे और फैक्टोरियल 17 में 3 जीरोस रहेंगे, तो सारे जीरोस को जोड़ लेंगे, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में हम लोगों को 370 जीरोस मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग यूनिट डिजिट को फाइंड करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम लोग जान लेते हैं नंबर सिस्टम के पार्ट 4 को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग यूनिट डिजिट को फाइंड करना सीखेंगे और यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करने हैं आइए हम लोग आसानी से देख लेते हैं। नंबर सिस्टम पार्ट 4 है ये, देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट अगर हमको फाइंड करना है, अगर कोई भी इक्वेशन हमको दी जाए, जैसे यहाँ पे 72 × 84 × 9 × 3 × 2 × कुछ भी कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, अगर हमसे पूछा जाए इस मल्टीप्लीकेशन में कितना आएगा, और हम यहाँ पे एक और इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख लिया जाए 1084, यहाँ पे
274 गुणे 572 गुणे 100 कुछ भी दे दें तो हम लोग फाइंड करेंगे कि लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या कौन सी वैल्यू होगी। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कैसे फाइंड करते हैं। देखते हैं अगर यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस को ही ध्यान देंगे। यहाँ पे सिंगल डिजिट ही है, कोई मतलब ही नहीं, जिसमें भी देखना है हम लोग यूनिट प्लेस को ही देखेंगे। आइए देख लेते हैं, जहां पे हमने मल्टीप्लाई किया इसको, यहाँ पे 8 आ गया, 8 का मल्टीप्लाई हमने 3 से किया, तो 8 का मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर यहाँ पे यूनिट प्लेस 4 आ गया, तो 4 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। 36 में हम लोग फिर यूनिट प्लेस को ही ध्यान देंगे, 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे गुणा करेंगे 4 से, 6 चौक 24 हो जाएगा। 24 में हम लोग फिर यूनिट प्लेस को ही ध्यान देंगे, अब 4 को फिर हम इसमें 2 से गुणा करेंगे, यानी कि हम लोग देख रहे हैं यूनिट प्लेस पे हमारा 8 आ जाएगा। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया 8 आ गया, 8 का मल्टीप्लाई 3 से किया 8 की 24 यहाँ 4 आ जाएगा। फिर 2 छोड़ देंगे, 4 ही लेंगे, 4 को 9 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36 6 आ जाएगा। फिर 3 छोड़ देंगे, 6 ले लेंगे, केवल और केवल यूनिट यूनिट डिजिट को ही लेंगे, 6 ले लिया, 6 को 4 से गुणा किया, 6 चौक 24 फिर 4 आ गया, 2 को हमने छोड़ दिया क्योंकि 2 जो है टेंथ प्लेस पे है और यहाँ पे हमको केवल 1 ही लेना है, तो 6। फिर यहाँ पे 6 को हमने इससे गुणा किया, सॉरी यहाँ पे हमने देखा 6 आया, 9 यहाँ पे हमने देखा 4 9 36 36 का 6 6 चौक 24 यहाँ पे हमने देखा 4 का गुणा इससे किया तो यहाँ पे हमारा 8 आ गया, यानी यूनिट प्लेस हमारा 8 होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। आइए दूसरा देख लेते हैं, जहां भी हम यूनिट डिजिट को ही देखेंगे, लेकिन आप यह ध्यान दीजिएगा इसमें 0 हमको दिख गया है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में लास्ट में 0 है तो वो लास्ट में यूनिट प्लेस पे 0 ही देगा। कहीं भी हम अगर 0 लिख लेते हैं, यहाँ पे भी अगर 0 से मल्टीप्लाई कर लेते तो हमको यूनिट प्लेस पे 0 ही मिलेगा, यानी कि 3 0 हो जाते हैं, लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा गया है केवल यूनिट प्लेस यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो यूनिट डिजिट पे हमारा केवल 0 रहेगा। तो इस प्रकार हम लोग इस ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं देखते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं, जब कोई संख्या दी हो और उसके पावर में कोई बड़ी संख्या दी हो तो हम लोग कैसे यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं ये भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पे 59 पावर में दिया गया है, 729 की पावर 59 है, तो यहाँ पे हम भी इसको रोक लेते हैं। 59 यहाँ पे दिया है, 59 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से भाग करेंगे तो देखते हैं रिमाइंडर कितना आता है। यहाँ पे हम लोगों ने 4 से रिमाइंड करना है, देखिए हम आपको करके दिखाते हैं, भाग करके दिखाना है। यहाँ पे 1 बार गया तो 4 आ गया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 9, यहाँ पे हम लोगों ने देखा यहाँ पे 4 चौक 16 होता है, 16 बार चला गया और यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचा। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं इससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा रिमाइंडर 3 बच रहा है, रिमाइंडर 3 मतलब 4 से कम ही आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 3 आएगा, 4 से कम ही आएगा। तो यहाँ पे 0 आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे 3 आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे यूनिट डिजिट को ले लेंगे। यहाँ पे यूनिट डिजिट को, ये रफ वर्क है आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग 9 की यूनिट डिजिट हो गई क्योंकि वंस टेंस हंड्रेड्स होता है तो 9 यूनिट डिजिट पे है, तो वंस प्लेस को ले लेंगे, पावर 3 लगा लेंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए 9 × 9 × 9 तो यहाँ पे हो गया 9 9 81, यहाँ पे 81 हो गया और यहाँ पे फिर 9 ये वाला 9 आ गया, हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे यूनिट प्लेस से तो 9 आ जाएगा, यानी कि इसके यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। आइए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में 623 की पावर दी गई है, यहाँ पे 36 दिया गया है, तो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए पावर को हम लोग 4 से भाग करते हैं, यहाँ पे भाग करेंगे, 9 चौक 36 पूरा कट जाएगा, जब पूरा कट जाएगा तो यहाँ 3 की पावर 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जब 0 जब भी रिमाइंडर 0 बचे तो हम लोग उसे पूरा 4 मानेंगे, ठीक है दोस्तों। बस आप ये ध्यान दीजिएगा जब भी रिमाइंडर 0 बचे वहां पे हम लोग पूरा 4 मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 की पावर 4 लिख लेंगे, यूनिट प्लेस पे 3 है तो हम लोग 3 की पावर 4 लिख लेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 3 × 3 × 3 × 3 3 3 9, फिर यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो
तो देखिए 3 × 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ पे हम यूनिट प्लेस से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 21 हो जाता है। यानी कि इसका मल्टीप्लाई करने पर हमें यूनिट प्लेस पे 1 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ पा रहे होंगे जहां पे हमें यूनिट प्लेस पे 1 मिलेगा। तो इस प्रकार के सवालों को हम लोग ऐसे करेंगे। आइए 2-3 सवाल और कर लेते हैं जिससे और क्लियर हम लोगों के समझ में आ जाए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में सब्सक्राइब भी करवाएं। तो आइए देखते हैं कैसे और संख्याओं को निकालते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे यूनिट डिजिट को फाइंड करते हैं। और कैसे करते हैं, इन्हीं तीनों में हम अपने पूरे मेथड को समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और इसके बाद हम बड़े सवालों को सॉल्व करने करेंगे। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे 122 की पावर 20 दी गई है तो यहाँ पे हम लोग पावर को ध्यान देते हैं। पावर 20 लिखी है, 4 से भाग कर देंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाएगा। जब 0 हो तो हम लोग यहाँ पे 4 मानते हैं, हमने आपसे बताया था। जब 0 रिमाइंडर आएगा तो हम लोग 4 मान लेंगे। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 ले लेंगे, बाकी हमको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे हम लोगों ने 4 कर लिया। अब यहाँ पे 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 2 × 4 = 8, 8 × 8 = 32। यानी कि यहाँ पे यूनिट डिजिट हम लोगों का 2 आ जाएगा क्योंकि 32 आया था। यहाँ पे हम लोगों ने देखा 32 आया, लेकिन हमें यूनिट डिजिट चाहिए तो हम लोगों ने यूनिट डिजिट ली। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बस ध्यान इतना देना है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसे हम 4 मान के करेंगे। बाकी आइए देखते हैं जब रिमाइंडर 1 बचता तो कैसे करते हैं। संख्या वही लिखी है, पावर 21 लिखी है तो यहाँ पे हमको सिर्फ यूनिट डिजिट ही देखना है। और पहले रिमाइंडर को हम 4 सॉरी पावर को हम 4 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ रिमाइंडर 1 बचा है। और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे हम देखिए 2 मिल रहा है और यहाँ पे पावर 1 कर देंगे तो यहाँ पे देखते हैं यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 लिख देंगे क्योंकि पावर 1 होने पे सेम संख्या आ जाएगी तो हम लोगों ने कर दिया। आइए देखते हैं जहाँ पे यूनिट डिजिट ये लिखा है 2 और यहाँ पे देखते हैं 23 है, 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 आता है। आप लोग देख पा रहे होंगे रिमाइंडर 3 है तो यूनिट डिजिट को हम लिख लेंगे और पावर 3 लगा लेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। पावर 3 का मतलब होता है 2-3 बार गुणा होगा। यहाँ पे देखते हैं 4 × 8 = 2, 2 × 4 = 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारी 8 होगी। आप लोग देखिएगा जब 0 होता है रिमाइंडर तो उसको 4 मान के हम एज इट इज करते हैं, सॉल्व करते हैं, बाकी पूरा मेथड वही है। फिर यहाँ पे अगर 1 आया तो हम 1 के ही रूप में करेंगे, 2 आएगा तो 2 के रूप में करेंगे, 3 आएगा तो 3 के रूप में करेंगे। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे संख्या कितनी भी बड़ी लिखी हो उससे मतलब नहीं है, बस हमें वंस प्लेस पे यूनिट डिजिट वाली संख्या को देखना है। बस हमें यूनिट डिजिट वाली संख्या को देखना है, उसी की पावर रखते हैं, सॉल्व कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे हमसे कुछ और नहीं पूछा गया, ना कि 10 की वैल्यू पूछा गया, ना 100 की वैल्यू पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को ही पूछा गया। तो हम लोग यहाँ पे यूनिट डिजिट को फाइंड कर रहे हैं। तो हम लोग यूनिट डिजिट को कैसे फाइंड करते हैं ये आपको निकालना बता दिए। तो इस मेथड से इसी प्रकार हम सारे यूनिट डिजिट को कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ बड़े सवालों को कैसे बड़े सवालों को सॉल्व करते हैं थोड़ी देर में। और एक हम आपका इसके अगला वाला क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ है, आइए उसे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, ये एसएससी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखिए कैसे करते हैं। यहां पे देखिए ये दिया हुआ है, कुछ संख्या दी गई है उसकी पावर 167 लिखी है तो हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पावर को देख लेते हैं 167, फिर 4 से हम लोग भाग करते हैं। यहाँ पे भाग करेंगे तो रिमाइंडर 4 × 16 फिर एक बार जाएगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा। तो देखिए जब रिमाइंडर 3 होगा तो हम यूनिट डिजिट को ले लेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको पावर पर रख लेंगे। इसे सॉल्व करेंगे यानी 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो देखिए 3 × 9 = 9, 9 × 3 = 27 होता है। यहाँ पे देखिए 27 आ गया, लेकिन हमें सिर्फ यूनिट डिजिट बतानी है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 है तो यहाँ पे हम लोग केवल 7 रख देंगे। देखिए कितनी बड़ी संख्या थी, कितना ज्यादा पावर था, लेकिन कितनी आसानी से कितनी जल्दी हो गया आप लोग देख पा रहे होंगे। हमने यूनिट डिजिट 7 को फाइंड कर लिया तो बहुत ही आसानी से हम लोग यूनिट डिजिट को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार के मेथड को ही इस्तेमाल करके हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। संख्या कितनी भी बड़ी हो, संख्या गुणा में भी हो सकती है, जोड़ में भी हो सकती है, तो सारे सवालों को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए और पूछा जाए यूनिट डिजिट बताना है तो
आइए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसे देख लेते हैं। तो देखिए पहले हम इसको ही देख लेते हैं, यहाँ पे पावर 72 दिया है, तो पावर 72 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो देखते हैं रिमाइंडर कितना बचता है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है, हमने कहा था जब रिमाइंडर 0 आए तो उसे हम 4 के रूप में मान के करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 72 है, तो यूनिट डिजिट हमारी 2 है, 2 की पावर 4 कर देंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 × 2 × 2 × 2 चार बार हमने कर लिया, तो 2 × 4 = 8, 8 × 2 = 16, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 × 4 कर दिया तो यहाँ पे 6 आ गया। अब यहाँ पे अगला देखते हैं, यहाँ पे पावर 104 दिया है, 104 दिया है, इसे हम 4 से करते हैं, तो यहाँ भी 0 रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि इसको हम 4 मान के करेंगे, तो यहाँ पे 4 की पावर 4 करते हैं। यहाँ से देखिएगा 4 की पावर 4 है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, 4 बार गुणा करना है, तो देखिए कैसे करते हैं, 4 × 16 होता है, 16 में हम 6 ले लेते हैं, 6 × 24, 24 का 4 ले लेंगे, 4 × 16, यानी कि यहाँ पे 16, यहाँ पे 6 आ जाएगा, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 है, गुणा कर लेंगे तो लास्ट में 6 ही आना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 71 की पावर 171 दिया है, जब ऐसी स्थिति बन रही है तो 171 को हम 4 से भाग करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर देख लेते हैं। तो देखिए हमने भाग किया 4 × 16 एक आया, यहाँ पे हमने 11 हो गया, देखिए तो यहाँ पे 4 × 8 यानी कि रिमाइंडर 3 बचा, तो यहाँ पे 1 की पावर 3 कर लेंगे, यानी 1 की पावर 3 करने पे संख्या सेम मिल जाएगी, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आएगा। अब हमें यहाँ पे आंसर देना है यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, हमने इनका इनका और इनका यूनिट डिजिट तो फाइंड कर लिया, लेकिन हमसे आंसर में ये पूरा यूनिट डिजिट पूछा गया है, तो देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे हमने देखा 6 में ऐड किया तो 12 में मैंने ऐड किया तो 13 आ गया, यानी कि यूनिट डिजिट हमारी 13 न बताते हम लोग केवल और केवल 3 बताएंगे, यूनिट डिजिट यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया 13 आया था, लेकिन हमें यूनिट डिजिट आना है, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे हम लोगों ने देखा 3 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों की यूनिट डिजिट 3 होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कितने भी बड़े क्वेश्चन दिए जाए हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दे देते हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा, आप लोग देखिएगा कैसे करते हैं, और फिर हमें आंसर कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, तो हम आपको देखेंगे कैसे आप लोगों ने आंसर बताया है, और जिनका भी ना है परेशान नहीं होंगे, हम अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व कराएंगे। आइए देख लेते हैं, संख्या दी जाए जैसे यहाँ पे कोई भी, आप लोग देखिएगा देखिए दोस्तों यहाँ पे संख्या दी गई है 172 की पावर 173 × 512 की पावर 63 × 46 की पावर 2 × 10 = क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, देखिएगा कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे ये आपका होमवर्क रहेगा, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट बतानी है। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, देखिए अब एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 64 की पावर 63 × 52 की पावर 7 और यहाँ पे 7 की पावर 4 दिया है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या आएगा वो हमें बताना है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे, आप लोग करने का प्रयास करिएगा, और जैसे ही आपको आंसर आया है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आपका आंसर नहीं आता है तो हम वीडियो की अगली शुरुआत करने से पहले इन्हीं दोनों क्वेश्चनों के साथ अगली वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसे सॉल्व करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करेंगे, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और थंबनेल का बटन दबा के लाइक कर दें। तो बस आज की वीडियो यहीं तक है, आप लोग वीडियो को देखिएगा, घर पे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।